हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को लेकर और दिवाली स्पेशल फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल, आप किस तरह से इस टाइप के एडिटिंग कर सकते हैं अपने पिक्सार्ट की मदद से। दोस्तों, बड़ा ही सिंपल और आसान तरीका बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा बिना स्किप किए। और जो मेरे चैनल पर अभी अभी नए हैं उनसे बोलना चाहूंगा, नीचे देखिए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो और बगल के बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बैकग्राउंड चूज करेंगे और यहाँ से डायरेक्टली सेंड कर देंगे पिक्सार्ट ऐप में। इस बैकग्राउंड और सारे के सारे पीएनजी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ से मैं सेंड कर देता हूँ डायरेक्टली पिक्सार्ट ऐप में। तो दोस्तों, बैकग्राउंड सेंड करने के बाद इसे हम थोड़ा सा क्रॉप करेंगे। हम टूल्स वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा क्रॉप करेंगे इसे। क्रॉप करने के लिए आपको देखना हो, यहाँ पर तीसरा नंबर का ऑप्शन है ये 3x2 का, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये साइज सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको टिक कर देना है। दोस्तों, टिक करने ये हमारा बैकग्राउंड साइज में आ चुका है। अब इसे हम थोड़ा एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए जाएंगे हम यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन में, और इफेक्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे फिल्टर वाले ऑप्शन में और यहाँ पर क्लिक कर देंगे मिल्टू का इफेक्ट अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, इतना करने के बाद इसमें हम पीएनजी ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए जाता हूँ यहाँ पर मैं ऐड फोटो वाले ऑप्शन में। तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर मैंने 3 पीएनजी को ऐड करा है, आप भी इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लगाते हैं ये वाला पीएनजी, इन दोनों को पहले साइड में रख देते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम लगाते हैं ये वाला पीएनजी। इसको हम रिसाइज करेंगे और यहाँ पर आपको इस तरह से सेट कर देना है। इरेजर वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से करने के बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है। तो इस तरह से करने के बाद हम इसमें अगला पीएनजी इसमें ऐड करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ ये वाला पीएनजी और यहाँ पर हम इसको थोड़ा रिसाइज करेंगे और रिसाइज करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से एडजस्ट करके लगा देना है। तो दोस्तों, यहाँ से मैंने इस तरह से ऐड कर दिया। अब इसमें हम अगला पीएनजी इसमें ऐड करेंगे यहीं से और यहाँ पर इसको भी रिसाइज करेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे। अब दोस्तों, एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है। तो यहाँ से मैं टिक कर देता हूँ। अब दोस्तों, इतना करने बाद इसमें हम अगला पीएनजी ऐड करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से मैं अगला पीएनजी ऐड कर लेता हूँ ऐड फोटो वाले ऑप्शन से। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने ये बॉल पीएनजी ऐड करा है। यहाँ पर हम थोड़ा सा रिसाइज करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन में। यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा। यहाँ पर हम दिखा देता हूँ मैं आपको, ये वाला इफेक्ट आपको अप्लाई कर देना है और यहाँ से आपको टिक कर देना है। तो दोस्तों, इस तरह से टिक करने बाद यहाँ पर आपको रिसाइज करना है और यहाँ पर इरेजर वाले ऑप्शन पर जाना है, जाकर इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरह से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इतना करने के बाद हम इसमें अपना क्रॉप किए गए मॉडल को ऐड करेंगे। अगर इसे क्रॉप करना नहीं आता, इस पर मैंने वीडियो बनाया, आप जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ से मैं ऐड फोटो वाले ऑप्शन जाता हूँ, यहाँ पर क्रॉप किए गए मॉडल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 पीएनजी को ऐड करा है। गर्ल्स पीएनजी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आपको अपना पिक यहाँ पर ऐड कर देना है क्रॉप करके। तो यहाँ से आपको रिसाइज करना है और यहाँ पर इस तरह से आपको इस तरह से ऐड कर देना है। और जो गर्ल्स पीएनजी को उसको बाजू में इस तरह से ऐड कर देना है। यहाँ पर आपको इस तरह से एडजस्ट करने के बाद हल्का सा रिसर्च करेंगे हम इसे और यहाँ पर इस तरह से ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है। यहाँ से मैं टिक कर देता हूँ। अब दोस्तों, इतना करने के बाद इसमें हम नेक्स्ट पीएनजी ऐड करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से फिर से चल जाता हूँ ऐड फोटो वाले ऑप्शन में। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने लेंस फ्लायर का पीएनजी ऐड करा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है आपको ब्लाइंड वाले ऑप्शन में और यहाँ पर इसको कर देना है स्क्रीन। तो यहाँ से मैं स्क्रीन करूँगा और यहाँ पर आपको इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ पर लगा देना है और टिक कर देना है। यहाँ से मैं टिक कर देता हूँ। दोस्तों, इतना करने के बाद हम जाएंगे टेक्स्ट वाले ऑप्शन में। टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से टाइप कर देना है। तो इस तरह से टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से नीचे ये फुल जड़ी वाला जो बर्ड है इसको नीचे ले जाना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। अब दोस्तों, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको टिक कर देना है। अब दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से ऐड करना है और यहाँ पर आपको चल जाना है स्ट्रोक वाले ऑप्शन में और यहाँ पर आपको इस तरह से स्ट्रोक लेवल को इतना बढ़ा देना है। यहाँ पर जाना है आपको शेडो वाले ऑप्शन में और यहाँ पर आपको ऑपसिटी लेवल को फुल करना है और ब्लर वाले ऑप्शन को भी फुल कर देना है। और इतना करने के बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है। तो दोस्तों, इतना करने के बाद हम इसमें अगला पीएनजी ऐड करेंगे। यहाँ से मैं चल जाता हूँ ऐड फोटो वाले ऑप्शन में। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर फुल जड़ी का पीएनजी ऐड करा है और यहाँ पर मैं इसके हैंड में लगा देता हूँ इस पर इस तरह से रोटेट करके। और यहाँ पर हम रिसाइज करेंगे और इसके हैंड में इस तरह से लगा देंगे। यहाँ से मैं इस तरह से लगा देता हूँ और लगाने के बाद इसमें एक और पीएनजी इसमें इस तरह से ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर ये वाला पीएनजी जो है वो इस तरह से आपको यहाँ पर इस टेक्स्ट पर इस तरह से रोटेट करके यहाँ पर लगा देना है। अब दोस्तों, इतना कहने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन में। यहाँ पर हम लिखेंगे दिवाली। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ दिवाली। और इतना करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है स्ट्रोक वाले ऑप्शन में और यहाँ पर कलर के साइज को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं रेड कर लूँगा। तो यहाँ से मैं रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। और रेड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑफसेट इतना हल्का करने देना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना। और यहाँ पर आप फॉन्ट की स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से आप फॉन्ट की स्टाइल को जो भी रखना चाहते हो यहाँ पर आप इस तरह से रख सकते हो। आपको टिक कर देना है। अब दोस्तों, इतना करने के बाद इसमें हम हेयर पीएनजी को ऐड करेंगे। यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ ऐड फोटो वाले ऑप्शन से। तो इस तरह से हेयर पीएनजी आ जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से एडजस्ट कर इस तरह से आपको एडजस्ट करके कर देना है। तो इसे मैं टिक कर देता हूँ। अब दोस्तों, इतना करने के बाद हम इसमें इफेक्ट ऐड करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन में और यहाँ पर हम जाएंगे फिल्टर वाले ऑप्शन में और यहाँ पर हम ऐड करेंगे मिल्टू का इफेक्ट।
तो इस तरह से मैं ऐड कर देता हूँ। और ऐड करने यहाँ पर आपको फेड ऑप्शन इतना बढ़ा देना है करीब 50 के करीब, और यहाँ पर आपको टिक कर देना है। तो दोस्तों टिक करने तो इसमें हम अगला पीएनजी ऐड करेंगे, लास्ट पीएनजी होगा जो, तो इस तरह से मैं ऐड कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने ये वाला पीएनजी को सेलेक्ट किया है, यहाँ पर मैं करूँगा रीसाइज और यहाँ पर मैं कर दूँगा ब्लाइंड वाले ऑप्शन पर जाकर स्क्रीन, और जहाँ जहाँ आपको एडजस्ट करना है वहाँ पर इरेज़ वाले ऑप्शन पर जाएंगे जो जो फेस पर आ रहा हो, और जहाँ जहाँ आपको लग रहा हो वहाँ पर इस तरह से आपको इरेज़ कर लेना है। मैं टिक कर देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों हमारी एडिटिंग रेडी चुकी है। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। भाई चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो और बगल के बेल आइकन को जरूर से दबा देना। तो भाई सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस, सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंटरेस्टिंग लाता रहूँगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।